सीन। अच्छा मेरा भी आ गया, वो नीर का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये बच्चों की तफरी के लिए बड़ा अच्छा एक मुकाम है इधर फैसलाबाद में। ये है वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर है, ये गटपाला पार्क है उसी के साथ में रहता है। और इसमें काफ़ी तादाद में जो हैं तो बच्चों की सैर तफरी के लिए अच्छी जगह है। उसमें दर्जनों के करीब जो है हरन है, उसमें बारा सिंगी है, मारखोर है और दूसरे पाड़ा हिरन है। इस तरह की ब्रीड जो है वो हरन की मौजूद हैं। उसके अलग अलग केजेस मौजूद है, काफ़ी रकबे पे बिल्कुल जंगल जैसा माहौल में इसको काम किया है। इस जगह पे नील गाय का भी है, काफ़ी उसको जंगल बना के मॉल दिया हुआ है। ये तकरीबन यहाँ पे इन्होंने एक केज बनाया हुआ है जिसमें एक ब्रीड के जानवर मौजूद हैं। उनके लिए वहाँ रखते हैं, कुछ खुली जगह है खाने पीने के लिए, कुछ साफ़ सुथरी जगह भी है। इस तरह एक एक एकड़ के हिस्से में इन्होंने एक एक ब्रीड को रखा हुआ है। उस नील गाय जो है वो भी तकरीबन 10-12 करीब नील गाय है जो मुख्तलिफ केजेस में बांध है और मेल अलग से बांध। ये फ्रेंडली नहीं है, इसमें यह है कि सैर तफरी के लिए ये फ्रेंडली नहीं है। इसी तरह जो इनकी है हरन की ब्रीड है, मुख्तलिफ किस्म के हरन है, मारखोर है, इस तरह ये नेम से उतने कितने अलग केजेस में बंद हैं वो। हाँ दासी है, चरी पाई है ना। ये केजी से मुराद कोई पिंजरा नहीं है। और खान देखो कितना चरियां दी हैं, वो एक एकड़ के करीब की जगह पे उन्होंने जंगला लगा के उसको चार दीवारी की हुई है। उसमें दरख्त है और इस तरह की चीज है। नेम सर तो ये इंडिया कमजोर यार, कुछ मिक्स भी हैं, जो फ्रेंडली ब्रीड्स हैं वो मिक्स हैं और जो थोड़ा अगर अग्रेसिव टाइप की हैं वो अलग अलग से हैं। तो इस तरह इसको खुराक वगैरह भी देते हैं। इसमें सैर के लिए ट्रैक बने हुए हैं, पिंजरों के इर्द गिर्द ट्रैक बने हुए हैं, बड़े अच्छे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये इसमें कोई ऐसी बहुत कॉस्टली चीज़ नहीं है। मिनिमम इन्होंने फीस रखी है सिर्फ 10 रुपये पर पर्सन जो है विज़िट की फ़ीस रखी हुई है। ये गटवाला ब्रीडिंग सेंटर है गटवाला में वाइल्ड लाइफ का, तो उसमें है। तो ये अच्छी जगह है फैसलाबाद में बच्चों की सैर के लिए और जो जानवरों को पसंद करते हैं उनके लिए जंगली हयात देखने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। इसमें जो कुछ पाउंड भी बने हुए हैं, पाउंड में मगरमच्छ है, इस तरह की काफ़ी मगरमच्छ है। लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त तो वो सारे पानी में थे, तो एक ही नजर आ रहा है। क्या नेम से इसी तरह डिफरेंट पेजेस में मोर है, मोर काफ़ी ज़्यादा ब्रीड है, मुस्लिम मस्ती ग्रीन जावा इस तरह की ब्रीड है, वो काफ़ी ब्रीड है। उसमें मतलब 3-3, 4-4 जो है वो उनके केजेस बनाए हुए हैं, वो अलग अलग से हैं। और वो ये एक फ्रेंडली भी हैं, जो घूमने वाले उनको देख के वो पंख भी फैलाते हैं, इस तरह के आवाज़ें भी देते हैं और खूबसूरत मारियो सिटी में बड़ा लुत्फ आता है। शर्मांदे
ये बेसिकली है ब्रीडिंग सेंटर है, यहाँ पे वो इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं वाइल्ड लाइफ पर, और फिर वो डिफरेंट जगह पे जो गवर्नमेंट के दीगर पार्क हैं वहाँ पे जानवरों को बेचते हैं, जू में और पार्क वगैरह में जो है, छोटे जू भी हैं उसमें बेच देते हैं। तो साथ में उन्होंने विजिटर्स के लिए भी रखा हुआ है, उसमें चार्जेस तो ना होने के बराबर है तकरीबन। ये बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी खुली जगह है, ये तकरीबन जो है 25 एकड़ 25 एकड़ पे एक मुरब्बा ज़मीन के ऊपर जो है बना हुआ है। इसमें ब्रीड्स काफ़ी ब्रीड्स हैं, वाइट मोर हैं और इस तरह के और भी परिंदे भी हैं, तोते हैं, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो है तकरीबन जंगली हयात जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। क्या बात है। जो फैसलाबाद में है और या इसके इर्द गिर्द के लोग हैं जो जंगली हयात के शौकीन हैं, मैं समझता हूँ उनको तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो ये बड़ा ही जो है खूबसूरत जानवर है देखने में, पुरसकून माहौल में है, कोई रश ज़्यादा रश भी नहीं होता, एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ आके आप, उसमें ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट माहौल नहीं है, ये कोई रोक टोक हो कोई बहुत आपको हो, आपने जस्ट जाना है अपनी टिकट लें और जाके विज़िट करें।